आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स की एंट्री बैन है, मगर अब वही आईपीएल फ्रेंचाइजीज हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह बस पाकिस्तानी प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल कर लें। जो आईपीएल फ्रेंचाइजीज मालिकान दूर भागते थे, अब उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए खुद ही दरवाजे खोल दिए। पिछले 13 सालों में जो नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल की टीमों में खेलते नजर आएंगे। इस तरह से ये होनी होनी में बदल गई। तो जनाब परेशान ना हो, ना ही पाकिस्तानी खिलाड़ी इंडिया जाएंगे आईपीएल खेलने और ना ही उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, बल्कि ये बात हो रही है मिनी आईपीएल यानी इंटरनेशनल T20 लीग की। अब बाबर आजम, शाहीन, रिजवान और नसीम जैसे प्लेयर्स आईपीएल ना सही मिनी आईपीएल में जलवे बिखेरेंगे। मगर इस मिनी आईपीएल पर भी पीसीबी ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आईएल T20 लीग में खेलने पर पाबंदी थी, तो अचानक ही ऐसा क्या हो गया कि पीसीबी ने अपना ही फैसला वापस ले लिया? क्या बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान बर्फ पिघलने लगी है? फैंस तो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इसके बाद इंडियन खिलाड़ी पीएसएल भी खेल सकेंगे। आईएल T20 की तकरीबन सारी टीमें वही है जो आईपीएल की हैं, इसलिए अब फैंस को भी उम्मीद है कि एक दिन वो भी बाबर और शाहीन जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को भारतीय मैदानों पर आईपीएल में विकेट उड़ाते और छक्के लगाते देख सकेंगे। क्या हकीकत में ऐसा मुमकिन है? अभी रिसेंटली चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी जक अशरफ ने बीसीसीआई पर क्या बयान दिया, बताएंगे आपको इस वीडियो में। मगर उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक व्यूअर्स हमारे पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब इमारात की इंटरनेशनल लीग T20 टूर्नामेंट, जिन्हें मिनी आईपीएल भी कहते हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर टीमें आईपीएल फ्रेंचाइजीज की हैं, उनके मुंतजमीन ने बड़ा ऐलान कर दिया कि लीग के सेकंड सीजन में पाकिस्तानी प्लेयर्स इन एक्शन होंगे। इंटरनेशनल लीग के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सुभान अहमद, जो खुद पीसीबी में भी इसी ओहदे पर काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इवेंट में टॉप पाकिस्तानी प्लेयर्स को शामिल करने के लिए पुरउम्मीद है। मतलब पीसीबी ने यूएई को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आईएल T20 में खेलने पर पाबंदी थी, मगर अब पीसीबी ने अपना ही रूल चेंज कर दिया है और प्लेयर्स को एनओसी जारी करने का इशारा दे दिया है। खबर तो ये भी आई है कि शाहीन के साथ आईएल T20 वालों ने रابطہ भी कर लिया है और वो जनवरी में एक हफ्ते के लिए आईएल T20 खेल सकेंगे। साथ साथ बाकी प्लेयर्स भी अगर अवेलेबल हुए तो वो भी इंटरनेशनल लीग में शिरकत करेंगे। असल में पीसीबी के इनकार के बाद ये कहानी शुरू हुई तब जब इस साल के आगाज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त की कि वो इंटरनेशनल लीग के अगले एडिशन के शेड्यूल में कुछ तब्दीलियां करे, क्योंकि पीएसएल 2024 भी तकरीबन जनवरी में शुरू होगा और इसी दौरान आईएल भी हो रहा होगा। तो ऐसे में मुश्किल होगा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ शिरकत कर सके, क्योंकि पीएसएल पहले है, बाकी लीग्स बाद में आती हैं। अब अगर आईएल T20 का शेड्यूल थोड़ा और आगे हुआ तो फिर तो बाबर और रिजवान भी खेल सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सीजन जैम पैक है। एक के बाद एक सीरीज है, सीरीज खत्म होते ही पीएसएल होगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के कौन कौन से खिलाड़ी आईएल खेलने जाते हैं।